हेलो दोस्तों, तो क्या बताऊं आप लोगों को, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं बात करने वाली हूं ममता चौहान का। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों आप लोग। आप लोगों को अगर हमारी बातें अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर और मैंने कुछ गलत बोली होंगी तो आप लोग हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय देती हूँ। तो मैं हूँ वंदना गोरखपुरिया। दोस्तों आप लोग मेरे भी चैनल को प्यार दुलार दीजिए, सपोर्ट करिए। जैसे आप लोग सभी को सपोर्ट कर रहे हैं वैसे हमें भी सपोर्ट करिए। तो दोस्तों मैं ममता चौहान के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों बहुत लोग हैं बोलते हैं कि जो अपना होता है वही सब कुछ करता है, वही दुश्मनी निभा ले जाता है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। अपना तो होते हैं, सही बात है, अपने ही दुश्मनी निभाते हैं, तो बात सही है। अब जैसे देखिए आकांक्षा जी के साथ हुआ है, और जिससे प्यार करती थी, जिससे शादी करती थी, अब वही उनका दुश्मन निकला। और बहुत लोग कह रहे हैं ममता जी के भी साथ ऐसे ही हुआ है। वो महादेव से प्यार करती थी, उनका महादेव से शादी भी होने वाला था, राजी मंदी से ममता चौहान की मम्मी उन दोनों की शादी करवाने वाली थी। पर बहुत लोग कह रहे हैं कि महादेव के ही वजह से वो अपनी जान दी है। अब दोस्तों पता नहीं लग रहा है कि किस वजह से वो अपनी जान दी है, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों बहुत लोग बोलते हैं कि उनको मारा गया है, और बाकी बहुत लोग कहते हैं कि नहीं वो बीमार थी तब उनके साथ ऐसा हुआ है। तो दोस्तों ये तो सही बात है, वो बीमार तो रहती थी, वो काफ़ी दिन से कम 5-6 महीने से वो बीमार रहती थी। उनके ऊपर ऊपरी बीमारी था, वो ममता चौहान के घर पे ही रहती थी, वहीं से सब कुछ सिंगर उंगर का सब कुछ काम सीखी हैं, और वहीं से उनका इलाज चलता था। कुछ दिन क्या बोलते हैं विष्णु चौहान के घर पे रहती थी, और कई बार अपने घर पे चली जाती थी। तो दोनों जगह रहती थी बराबर दोस्तों, और ठीक ठाक हो गई थी, ठीक ठाक थी, ऐसा कहीं कुछ बात नहीं था, वो ठीक हो गई थी। पर पता नहीं अचानक क्या हो गया, अब भगवान ही जाने दोस्तों, अब क्या जाने क्या सही है क्या गलत है, अभी तो पता नहीं लगा है। अब तो ऐसे भी पता लगना मुश्किल है कैसे, जब बॉडी नहीं रही, अगर उसका पोस्टमार्टम हुआ होता तब पता लग ही जाता, पर जब उसका कुछ हुआ ही नहीं तो पता कैसे लगेगा। ऐसे एक दूसरे पर इल्ज़ाम लोग लगा रहे हैं, तो ये तो दोस्तों गलत बात है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का तो ऐसे नहीं किया जाता है। जब पोस्टमार्टम हुआ होता तब पता लगता कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों यही सब बात है। बहुत अच्छी एक्टर थी दोस्तों, सिंगर थी, अभी उतना बड़ी सिंगर तो नहीं थी, पर वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी, सिंगर बन गई थी, वो कई जगह भी उनका शो था, वो गई थी करने भी गई थी, मैं उनका वीडियो देखी हूँ, काफ़ी अच्छा करती थी वो। और महादेव जी हैं तो उनका तो रो रो कर एकदम बुरा हाल है। अब जो भी हो जैसा भी है भाई, उन दोनों की शादी होने वाली थी, पर अब क्या करें, अब